ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो देखो जो ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, टैन आई इज इक्वल टू होता है म्यू, ये तो है ना ब्रूस्टर लॉ। तो ब्रूस्टर एंगल का जो फॉर्मूला है, ये जो म्यू होता है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, और वो क्या होता है डेंसर मीडियम। तो म्यू का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन वन ही है, मीन्स टैन आई का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा। तो टैन आई का वैल्यू ग्रेटर देन वन, टैन आई टेंजेंट ऑफ एनी एंगल ग्रेटर देन वन दिया है, मतलब इसका रेंज क्या होगा, तो ये जो है आपका आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यही उसका रेंज होगा। उसके अंदर ही क्या होगा, टेन आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलने वाला है। तो 45 टू 90, 45 से ज़्यादा 90।